वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादिम पादरी मबूल सैमुअल आपके खिदमत में हाजिर है। आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से हम आपके साथ हैं। मेरे साथ हमारे प्यारे भाई दोस्त हम खिदमत जनाब रेवरेंड गिलबर्ट डेविड सब मौजूद हैं वॉलसेल से, हम उन्हें वेलकम कहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग भाई साहब, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने आज को फिर हमें ज्वाइन किया। आपके जो प्रस्तार हैं वो जितनी इंतजार कर रहे होते हैं और हम शुक्रगुजार हैं आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए। कैसे हैं आप? प्रेज द लॉर्ड, मैं बड़ा खुदा का शुक्र करता हूँ कि आज फिर आपके साथ मौजूद हूँ, अपने दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ, और मिलकर हम वर्शिप करेंगे। और मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप हमें मौका देते हैं, खुदा के खादमों को लाते हैं और हमें कलाम सुनने का मौका मिलता है, बड़ी बरकत मिलती है। तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वेलकम भाई साहब। देखें जी, एल्डर सुहेलीन सब आपको गुड मॉर्निंग कह रहे हैं और गुड मॉर्निंग ब्रदर, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। फर्स्ट महबूब सब हमें ज्वाइन करते हैं न्यूपोर्ट से और ग्लोरिया गिल हमारे साथ हैं। ये देखें नहीं, लोग जो ना सुबह से उठ के तो इंतजार कर रहे होते हैं। मैं सोचता हूँ कि हमें इस बात को बड़ी शिद्दत के साथ महसूस करना भी चाहिए। सऊदी अरेबिया से हमारे साथ हैं सुलेमान अनिल। जैसे जैसे वो काफिला चल रहा है, बढ़ता जा रहा है, कारवां बढ़ता जा रहा है, अल्लाह का शुक्र हो। तो बहन भाई, आप भी इस लिंक को अपने दोस्तों को देखिए, कितनी खुशी होती है उनके साथ शेयर करें। अगर जब वो दुआ का पाक कलाम सुनेंगे, जब आप कोई अच्छी फिल्म देखते हैं, किसी अच्छी जगह पर जाते हैं, कोई अच्छा प्रोग्राम देखते हैं, तो आप दूसरों को बताते हैं कि आए भी शेयर करें। तो ऐसे ही है, जब आप इस कलाम को सुनते हैं तो इसको दूसरों के साथ बांटा करें, शेयर किया करें, ताकि वो भी बरकत पाए। हमारी प्यारी बहन बुआ जरा चांद हमारे साथ हैं, बहुत ही खुदा उनसे प्यार करने वाली हमारी प्यारी बहन, हम सब प्यार से उन्हें बुआ जी कहते हैं। तो खुदा उन्होंने बरकत दे, कुवत से तंसी हिम्मत और ताकत दे, उनका सयाम परमेश्वर कायम और दायम रखे। हमारी प्यारी बहन एल्डर जिन्हें सल्ला रखा, बहुत रेगुलर जो हमारे व्यूवर्स हैं, हम उनके लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। तो भक्ति होती रहेंगी जी, और आई विश के मैं सब लोगों की कॉल भी ले सकूं, लेकिन वक्त हुआ चाहता है अभी खुदा उनके पाक कलाम का। और हम जैसे कि सुबह का जो आगाज है खुदा उनके मुकद्दस पाक कलाम से करते हैं, तो मैं आज आपके लिए एक वेद जो है वो तलावत करना चाहता हूँ। मुकद्दस याकूब का आम खत, उसका पहला बाब, उसकी दूसरी आयत से लेकर आठवीं आयत तक, खुदा उनके जिंदा पाक कलाम को सुनिए। लेटर जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2, यूं लिखा है, आए मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सबर पैदा करती है, और सबर को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत के किए सबको फ्याजी के साथ देता है, उसको दी जाएगी। मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समुंदर की लहर की मानिंद होता है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदा से कुछ मिलेगा, वो शख्स दो दिला है पर अपनी सब बातों में बेक्याम। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझ जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन आमीन आमीन। बाइबल में हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं कि जो कि बड़ी फास्ट फास्ट वर्ल्ड, बट गॉड इज बिट स्लो। आजकल आप देखें कि लोग इतने इंपेशेंट हो गए हैं। मैंने देखा कि जब खड़े थे क्यू में, जा रहे थे मैकडॉनल्ड में, तो थोड़ा सी डिले हो गई, कोई किसी का ऑर्डर जो था लंबा था शायद, तो पीछे से लोग हॉर्न दे रहे थे। पीपल आर सो इम्पेशेंट। आजकल हम चाहते हैं कि जी हर चीज जो है बस क्विक क्विक हो जाए, क्विक फिट, है ना, क्विक फिट। चंद सेकंड का भी हम इंतजार नहीं करते, और आप देखें कि लोग जब इशारे पे खड़े होते हैं इतने इम्पेशेंट, जस्ट अ मैटर ऑफ 30 सेकंड, पीपल दे आर सो इम्पेशेंट। अगर आप थोड़ी सी भी उसमें देर कर दें, लोग जो है हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं। हम चाहते हैं कि माइक्रोवेव जो है वो ऐसा हो जाए कि बस उसमें डालें चीज जल्दी से गर्म हो जाए,
और फास्ट डिलीवरी, अगर आजकल बेचारे वो जो डिलीवरी कर रहे होते हैं इतने वो खाइफ होते हैं कि यार अगर हमारी डिलीवरी जो है वो लेट होगी तो शायद उन लोगों ने लेने नहीं है, तो हर चीज ऑन डिमांड, ऑनलाइन। और लेकिन हम देखते हैं खुदा जो है वो कैसे काम करता है। अगर आप जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 8 देखें तो खुदा ने बाग लगाया और प्लांटेशन जो है इट्स अ प्रोसेस। और हम देखते हैं खुदा ने जब वो बाग लगाया तो खुदा ने 6 दिनों में तमाम दुनिया को, तमाम कायनात को बनाया। और खुदा ने एक जो है ना अपने टाइम टेबल के मुताबिक काम करते हैं, एक प्रोसेस है। तो हम देखते हैं कि खुदावन ने अपने ठहराए वक्त के मुताबिक अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा। जब गुनाह इस दुनिया में आ गया, हमारा जो खुदा के साथ रिश्ता था वो स्पॉइल हो गया, तबाह हो गया, खलीज आ गई। तो खुदावन ने उस खलीज को भरने के लिए, उस गल्फ को फिल करने के लिए अपने बेटे को भेजा और अपने वादे को पूरा किया। हमें फ्रस्ट्रेटेड होने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम कहते हैं कि जी, जैसे पतरस कहते हैं कि लोग कहते हैं उसके आने का वादा कहाँ गया। तो खुदावन के नजदीक एक दिन जो है 1000 बरस के बराबर, 1000 बरस जब एक दिन के बराबर है। तो जब हम इस दुनिया में हैं तो हमें इस बात के लिए सोचना, जैसे भी खुदावन के पाक कलाम में से पढ़ा कि सब्र को अपना काम करने दो, सब्र करना, और ये बहुत जरूरी है। मैं एक बात सुबह सोच रहा था जब मैं अपना पर्सनल डिवोशन कर रहा था भाई साहब, तो मैं उसमें ये बात सोच रहा था कि सेल्फ डिसिप्लिन जो है ना, मैं सोच रहा था सबसे मुश्किल जो काम है वो ये अपने आप को करेक्ट करना। दूसरों को हम बड़ी जल्दी करेक्ट करते हैं, ऐप जो ही करना, दूसरों को कहना वो तेरे अंदर ये कमी है, तेरे अंदर ये कमी है, बट हैव यू एवर थॉट सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप को करेक्ट करना, ये बहुत मुश्किल काम है। हम जब अगर अपने आप को ठीक करना शुरू कर देंगे ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अपने गिरेबान में झांकना, अपने आप को ठीक करना, तो ये बड़ी जरूरी बात है। और सब्र के साथ सब्र करना चाहिए और खुदावन से दुआ करनी चाहिए, खुदावन तू मुझे सब्र दे ताकि मैं दूसरों का भी इंतजार कर सकूं और खुद भी इंतजार कर सकूं। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी जरूरी बात है। मुझे एक शख्स ने फोन किया रेडियो पे जब मैं प्रोग्राम करता था भाई साहब, तो मुझे उस मैंने पूछा नहीं क्या आपकी समस्या है, तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तो क्या मुश्किल है आपकी। कहता जी मुझे कोई मुश्किल नहीं है। मैंने कहा यू आर द ओनली पर्सन इन दिस वर्ल्ड जो कि ये कह रहा है कि मुझे कोई मुश्किल नहीं है। तो मैंने कहा अगर आपको कोई मुश्किल नहीं तो आप जरूर किसी के लिए मुश्किल होंगे। तो हम बास का दूसरों के लिए मुश्किल का बायस होते हैं। तो हमें जरूरत है कि अपने आप को डिसिप्लिन करें और अपने आप को ठीक करें तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो आइए खुदावंत से दुखास करें, खुदावंत हमें सब्र दे ताकि हम सब्र के साथ दौड़े और वो ताज हासिल करें जो तूने हमारे लिए रखा है। हर एक काम में इन योर एवरीडे कंडक्ट ऑफ लाइफ आपको पेशेंस की जरूरत है। तो आइए खुदावंत से खुदावंत का सब्र चाहें, खुदावंत की रहनमाई चाहें, खुदावंत का शुक्र अदा करें कि वो एक अच्छा बागबान है जो कि सब्र के साथ काम करता है और हमारी जिंदगी को फलदार बनाता है। मैं दरख्वास्त में पादरी गिलबर्ट साहब से कि वो दुआ में रहनमाई फरमाएं और आज के प्रोग्राम को खुदा उनके हाथों में दें। थैंक यू जीसस। लेट अस प्रे। लविंग हेवनली फादर, वी थैंक यू, वी प्रेज यू, वी वर्शिप एंड अडोर यू। यू आर गॉड ऑलमाइटी, यू आर आवर हेवनली फादर। फादर वी थैंक यू फॉर दिस डे एंड थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी to come together and worship you. You are worthy of our worship. And Father, I thank you for Bible TV Global. I thank you for my brother and your servant, Reverend Noble Samuel, for his hard work, for his efforts to bring all of us together every morning to worship you. So Father, as we are gathered today, come by your Holy Spirit. Lead us, guide us, enable us to hear your voice, Lord. We want to hear you this morning. Speak to your children. Bless your children. Whatever worship songs we sing, whatever we say in our prayers, Father, hear our prayers and answer them. खुदावन मेरे जितने भी बहन भाई अब तक join कर चुके हैं, मैं उनके लिए तेरा शुक्र करता हूँ। इनकी इस मोहब्बत के लिए खुदावन, ये प्यार खुदावन जो वो तुझसे दिखाते हैं, तेरे लिए रखते हैं,
और खुदावंद वो हर रोज सुबह जमा होते हैं और उनकी सारी इनकरेजमेंट के लिए खुदावंद जो पादरी साहब को हासिल है हमें हासिल है खुदावंद हमारी दुआ है कि आज भी हमारा मिल बैठना हम सबके लिए बरकत का बाइस हो और इस वर्शिप से तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगो, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू भाई सब। जी बहनों भाइयों, वक्त हुआ चाहता है खुदावंद की हम्द व सना का, तो आइए हम ये खूबसूरत गीत सुनते हैं और खुदावंद की स्तुति करते हैं, उसकी हम करते हैं। तू चट्टान है, बहुत खूबसूरत ये गीत है, आइए हम खुदावंद की तारीफ करें। चट्टान है तू ही मेरा राहबर, तू ही मेरा रहनुमा, तू मेरे छिपने की जगह और मेरा महबूब, तू अजल से अब तक लक्ष्य, तेरी वफादारी हमेशा तक कायम है। वीरानों में तूफानों में ना घबराऊंगा, वीरानों में तूफानों में ना घबराऊंगा, तू ही चट्टान है मेरा निगहवान है, तू ही चट्टान है मेरा निगहवान है, मैं तुझ में छिप जाऊंगा, वीरानों में तूफानों में ना घबराऊंगा, हाँ। मुझको हर वबा से पना, तुझ में ही मिलती है मुझको हर वबा से पना, तू ही मेरा जोर बाजू, छिप जाऊंगा, वीरानों में तूफानों में ना घबराऊंगा, हाँ। He's my strength, my savior, my provider, he's Jehovah Jireh. He will never let me alone, because he's my savior and my strength. Tujh mein
मस्ता रहूंगा, गालिब नाए गुनाह तू ही चट्टान है, मेरा निगहबान है तू ही चट्टान है, मेरा निगहबान है, मैं तुझ में छिप जाऊंगा, वीरानों में तूफानों में ना घबराऊंगा, वीरानों में तूफानों में ना घबराऊंगा, क्योंकि तू ही चट्टान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक लड़की स्कूल जाया करती थी और रोजाना वो कब्रिस्तान में से गुजर के जाती, तो किसी ने उससे पूछा कि बेटा आपको खौफ नहीं आता जब आप कब्रिस्तान में से गुजरते हो? बहुत सारे लोग जो हैं वो डरते हैं, कब्रिस्तानों में से नहीं गुजरते। तो उस छोटी बच्ची ने कहा कि नहीं, मुझे खौफ नहीं आता क्योंकि मेरा जो घर है वो कब्रिस्तान के दूसरी जानिब है, तो एवरी डे आई हैव टू ट्रेवल फ्रॉम माई होम टू स्कूल, आई एम नॉट अफ्रेड फ्रॉम दिस ग्रेवयार्ड। अजीजो, हमारा घर जो है वो इस दुनिया से अलग, दुनिया से परे वो प्रॉमिस लैंड है जिसका खुदावन ने वादा किया है। सो जब आप मुश्किलात में से गुजरते हैं, जब आप तूफानों में से गुजरते हैं, आपको घबराना नहीं चाहिए, बिकॉज वी आर इन ए जर्नी। जैसे कि बनी इसराइल मुल्क मिस्र से निकले, बियाबान में थे और वो मुल्क मौदा की जानब बढ़ रहे थे, इन द सेम वे वी आर इन ए जर्नी। हम इस दुनिया में परदेसी और मुसाफिर हैं, हमारा असली वतन जो है वो खुदा के पास है। पौलुस कहता है कि हमें कूच करके उसके पास जाना है। एज वी आर टॉकिंग अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द रिक्वायरमेंट्स, वो जो तकाजे हैं खुदा की बादशाही के, उनके बारे में हम बात करेंगे। आई एम सॉरी कि मैं और म्यूजिक नहीं आज प्ले करूंगा, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और मैं खुदा के खादिम को ज्यादा मौका देना चाहता हूँ ताकि हम उनसे खुदा के मुंह की बातें जो हैं वो और ज्यादा गहराई के साथ जान सकें, सीख सकें। तो लेट्स गिव मोर टाइम टू दिस बाइबल स्टडी। तो मैं एक वेद जो है वो खुदा के पाक कलाम में से तिलावत करना चाहता हूँ और फिर जैसे खुदावन हमारी मदद और रहनुमाई करेगा हम आगे बढ़ेंगे। तो ये चंद आयात हैं, यूहन्ना का अंजीली बयान उसका तीसरा बाब उसकी पहली तीन आयात जो है वो खुदावन के खूबसूरत पाक कलाम में से मैं तिलावत करूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी बाइबल आपके पास मौजूद होगी। मुकद्दस यूहन्ना का अंजीली बयान उसका तीन बाब उसकी पहली तीन आयात, गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 3 वर्स 1-3। खुदा उनका पाक कलाम सुनिए। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, आए रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौत से तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिर से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। खुदावन के अजीम खूबसूरत नादर पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। आइए हम खुदावन के खादम के लिए खुदावन की बरकत चाहें, खुदावन के पाकरों की मामूरी चाहें। कादरे मुतलिक जिंदा पाक खुदा, लश्करों के खुदावन, बहरों भर के खालिक और मालिक, तू जो कुदूस और पाक है, कल आज बल्कि अब तक यकसा है, तू जिंदा चट्टान है, हम तेरा शुक्र करते हैं। इस वक्त खुदावन तेरे खादम के लिए रेवरेंड गैब्रियल डेविड के लिए दुआ करते हैं, इंतजा करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि तू अपना दाना हाथ बढ़ा और अपने बंदा को कसरत के साथ अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, अपने पाक रूप से मामूर कर।
और ऐ प्यारे खुदा हमारे जहनों की मट्टी को कलाम के इस बीज के लिए तैयार कर, ताकि कलाम का ये बीज जब बोया जाए तो बहुत सब फल आए, बड़ी बरकत है। यीशु के सुंदर नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। जो लोग आज पहली दफा इस प्रोग्राम का हिस्सा है, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि रेवरेंड गिलबर्ट डेविड साहब का ताल्लुक जो है वो ओरिजिनली पाकिस्तान कराची से उनका ताल्लुक है, और एक लंबे अरसा से वो उस मुल्क में यूके में खुदाम की खिदमत कर रहे हैं। बर्मिंघम के नज़दीक एक टाउन है वॉल्सल, वहाँ पर खुदाम की खिदमत करते हैं, और चर्च ऑफ इंग्लैंड में वो विकर हैं। तो आप जरूर से इस कलाम की बरकत पाएंगे। तो मैं दावत देना चाहता हूँ रेवरेंड गिलबर्ट डेविड साहब को कि वो आज का पाक कलाम जो खुदा उन्होंने दिया है वो हमारे साथ बांटे। जी भाई साहब, ओवर टू यू। थैंक यू भाई साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का आपका इस खूबसूरत अपॉर्चुनिटी के लिए। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ जो आपके वसीले हम सबको हासिल है, और जो मजमून आपने शुरू किया है गुज़श्ता हफ्ते से, और बहुत सारे जो मेरे भाई हम खिदमत भाई हैं खुदा के खादिम हैं उनसे हमने इस मजमून पर बड़े खूबसूरत पैगाम सुने। उन्होंने बड़ी खूबसूरती से हमें बताया कि खुदा की बादशाही है क्या, और उस बादशाह के बारे में जो कि इस बादशाह का मालिक है, हमारा खालिक है, हमारा जिंदा खुदा है, और हमारा निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह, जिसने इस बादशाह को आकर यहाँ पे इस जमीन पर आकर इंट्रोड्यूस कराया 2000 साल पहले। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा इस किंगडम को एक्सप्लेन करने के लिए, द किंगडम ऑफ गॉड। तो मैं मुझे जो आज जिम्मेदारी दी गई है, जो मजमून मुझे दिया गया आज के लिए, वो है हाउ टू गेट इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। हम खुदा की बादशाही में दाखिल कैसे हो सकते हैं, हाउ वी कैन एंटर इनटू इट। तो पादी साहब ने जो बड़ा खूबसूरत अभी हवाला हमारे लिए तलावत किया मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसकी पहली 3 आयात, तो यहाँ पे एक शख्स है जिसका नाम है निकोदीमस, और निकोदीमस के बारे में यहाँ पे बड़ी खूबसूरती से बताया गया है कि एक शख्स निकोदीमस नाम यहूदियों का सरदार है, ये फरीसी है, यहूदियों का सरदार है, बड़ा लाइक फाइक आदमी है, बड़ा स्कॉलर है, थियोलॉजियन है, बहुत कुछ है ये, और खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर उसकी बड़ी तारीफ करता है, उसको बड़ा अप्रिशिएट करता है उसकी मिनिस्ट्री को। तो यीशु मसीह ने उसको 2 टोक जवाब दिया, उसने कहा, यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। तो हम भी आमतौर पर यही समझते हैं कि वो लोग जो कि खुदा के बड़ा करीब हैं, जो बड़े स्कॉलर्स हैं, जो कि खुदा के कलाम को बहुत समझते हैं, शायद वो सबसे पहले खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे, क्योंकि वो ज्यादा अक्लमंद है, दानिशमंद है। तो आगे चल के जब हम इस हवाले को देखते हैं, तो जब खुदावंद यीशु मसीह ने यह कहा कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, तो ये जो कि आलमी शरा है वो खुदा उस खुदावंद से सवाल करता है कि ये कैसे मुमकिन है, एक इंसान जब वो बूढ़ा हो गया वो फिर से क्या माँ के पेट में जाकर फिर से पैदा होगा। तो ये बड़ा मुश्किल सा एक मजमून है, बड़ा सवाल है जो कि आम तौर पर लोगों की समझ में नहीं आता। लेकिन इसे समझने के लिए मैं आपको एक और हवाला देना चाहता हूं, मुकद्दस मरकस की अंजील और उसका चैप्टर 10, मार्क चैप्टर 10 और उसकी वर्स मैं 13 आपके लिए पढ़ूंगा। यहां लिखा है, फिर लोग बच्चों को उसके पास लाने लगे ताकि वो उनको छुए, मगर शागिर्दों ने उनको झिड़का। यीशु ये देखकर खफा हुआ और उनसे कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसों ही की है। तो हमारी जो सोच है कि जब हम बड़े मैच्योर हो जाते हैं, स्पिरिचुअली बड़े मैच्योर हैं, खुदा के कलाम को बहुत समझते हैं, तो शायद हमारे लिए खुदा की बादशाही में दाखिल होना आसान है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पे एक और बड़ी खूबसूरत बात कह दी है कि अगर हम खुदा की बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं तो हमें एक बच्चे की मानिंद बनने की जरूरत है। What God has seen in a child, कि वो हमें कहता है कि हमें बच्चों की मानिंद बनना है अगर हम खुदा की बादशाही में दाखिल होने चाहते हैं।
यही हमारा मजमून है आज का। और हम, मैं जब इसके बारे में सोच रहा था कि एक बच्चे में ऐसी क्या बात है, बच्चे में दो तीन चीजें हैं जो कि हमें फौरी तौर पर नजर आ जाती हैं। पहली बात यह है, अ चाइल्ड इज अ वल्नरेबल पर्सन, उसके वो बड़ा कमजोर है, वो अपने तौर पर खुद से कुछ कर नहीं सकता, उसको कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। और जो दूसरी बात है कि उसके पास कुछ नहीं है। बच्चा जब इस दुनिया में आता है उसके पास कुछ नहीं होता, वो डिपेंड करता है, टोटली डिपेंडेंट ऑन हिज पेरेंट्स, और वो जो कुछ भी उसके लिए करते हैं। तो जब हम खुदा की बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं तो जो पहली रिक्वायरमेंट है, या आप कह लें कि इसका जो क्राइटेरिया है, वो ये है कि हमें एक बच्चे की तरह अपने आप को खाली करने की जरूरत है। वी नीड टू कम एम्प्टी हैंडेड, हमारे पास कुछ भी नहीं है। वी नीड टू टोटली डिपेंड ऑन जीसस क्राइस्ट, ऑन हिज सैक्रिफाइस। और आज मैं जब इस मजमून के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं यकीन रखता हूं कि हम इस बात को अच्छे तौर पर समझते हैं कि खुदा की बादशाही जो यीशु मसीह लेकर इस दुनिया में आए हैं, उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो भी ऐसा ही है जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे सामने नमूना रखा है। हमें जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को खाली करके खुदावंद के पास आए, उसको कहें कि खुदावंद मैं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं खाली हाथ आया हूं, मैं कमजोर हूं, मैं गुनाहगार हूं, मुझे कबूल कर ले। तो खुदावंद हाथ फैलाए, आपका इंतजार कर रहे, वो आपको वेलकम करेगा। अगर हम समझते कि हम कोई चीज है, हम तो बड़े स्कॉलर हैं, बड़े लाइक फाइक हैं, हम ज्यादा खुदा के कलाम को समझते हैं, और हम अपने एफर्ट से, या मैं बड़ा पारसा हूं, मैं बड़ा पार्क ऑफ, आई एम वेरी होली पर्सन, और मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है, मैं अपने कामों की वजह से, अपनी पाक साफ जिंदगी की वजह से खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाऊंगा, तो ये बात ठीक नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कि हमें एक बच्चे की मानिंद बनने की जरूरत है, और टोटली हमें डिपेंड करने की जरूरत है यीशु मसीह पर, और तभी हम उसमें, उसकी बादशाह में दाखिल हो सकते हैं। और एक दूसरी बात और मैं जो इस सिलसिले में कहना चाहता हूँ वो ये है, इसी हवाले का जो मरकस की अंजील में उसकी जो मैं चैप्टर वर्स 70 अगर मैं पढ़ू, चैप्टर 10, तो यह लिखा है, जब वो बाहर निकल कर जा रहा था, एक शख्स दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके घुटनों उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछने लगा, आई नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। तो यीशु ने उसे जवाब में कहा कि तू हुक्मों को जानता है, खून ना कर, जिना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, फरेब देकर नुकसान ना कर, अपने बाप और माँ की इज्जत कर। तो उस शख्स ने जवाब दिया कि मैंने इन सब पर बचपन से अमल किया है। यीशु ने उस पर नजर की और उसे उस पर बड़ा प्यार आया और उसे कहा, एक बात की तुझ में कमी है, जा, जो कुछ तेरा है बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और मेरे पीछे हो ले। और लिखा है कि इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई, वो गमगीन होकर चला गया क्योंकि बड़ा मालदार था। मेरे जिस बहनों और भाइयों, ना तो हमारा नॉलेज, ना हमारा खुदा के बारे में जो वाकफियत है, या हमारा जो इल्म है कलाम के बारे में, ना तो वो हमें क्वालिफाई करेगा किंगडम ऑफ गॉड में दाखिल होने के लिए, ना हमारा मालो दौलत। लोग समझते हैं कि अगर मैं बड़ा मालदार हूँ, मेरे पास दुनिया की हर चीज है, मैं बड़ी चैरिटी करता हूँ, मैं बड़ा हदिया देता हूँ, और मैं शायद अपने मालो दौलत की वजह से, इन्फ्लुएंस की वजह से मेरे लिए बहुत सारे लोग दुआएं करते हैं, तो मैं तो खुदा की बादशाह में दाखिल हो जाऊंगा। यीशु मसीह ने कहा कि हमारा जो मालो दौलत है वो हमें खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं कर सकता। उसके लिए जरूरी है कि हमें खुदावंद यीशु मसीह पर भरोसा करना है, उस पर तवक्कल करना है, हमें रास्तबाजी उससे मिलेगी। हम अपनी रास्तबाजी के बिना पे खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकते। तो जो पहली बात है कि हमें खुदा के कलाम पर, उसकी खुशखबरी पर भरोसा करना है, यीशु मसीह की मौत और उसके जी उठने पर, ये हमारे लिए खुशखबरी कि हमारे लिए निजात का काम मुकम्मल हो चुका है। हमें खुदा की बादशाह में दाखिल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर भरोसा करने की जरूरत है। एक बड़ा खूबसूरत इंग्लिश हिम है, रॉक ऑफ एजेस, और उसकी दो लाइनें मैं पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, नथिंग इन माई हैंड आई ब्रिंग,
सिंपली टू दाय क्रॉस आई क्लिंग. मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, मैं कुछ नहीं लेके आया. मेरा भरोसा और तवक्कल सिर्फ यीशु मसीह की सलीब पर है, उसके कुफारे पर है जो उसने मेरे लिए दिया है. किसी किस्म की कोई माल और दौलत हमारे काम नहीं आएगी, हमारी कोई नेक काम हमारे काम नहीं आएंगे, वो हमें खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं कर सकते. और आज की जो खास बात है वो ये है कि हम जब तक नए सिरे से पैदा नहीं होंगे, हम खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं होंगे. अब जब हम नए सिरे से पैदा होने की बात करते हैं, फिर बात वही आ जाती है. हम सही सोचते हैं कि जो बच्चे हैं उनका खुदा की बादशाह से कोई ताल्लुक नहीं है, वो खुदा की बादशाह को समझते नहीं है, वो शायद खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकते. लेकिन मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने कहा है कि जब तक हम बच्चों की मानिंद नहीं बनेंगे, हम खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं होंगे. बच्चों का खुदा की बादशाह में दाखिल होना आसान है क्योंकि वो टोटली डिपेंडेंट है, वो डिपेंड करते हैं. वो अगर गुनाह करेंगे, गलती करेंगे, तो वो उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते. हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये है कि हम रास्तबाज बनना चाहते हैं. हम अगर गलत काम करते भी हैं तो हम अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, हम अपनी एडवोकेसी खुद करने की कोशिश करते हैं. लेकिन हमारे लिए जरूरी बात यह है कि हम यीशु मसीह पर, उसकी सलीब पर, उसके कुफारा पर भरोसा करें, तब ही हम उस हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सकते हैं. जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कोई नए सिरे से, हम अपने माँ बाप के घर में पैदा होते हैं, हम उस फैमिली का हिस्सा है, लेकिन यीशु मसीह पर ईमान लाने के बाइस हम खुदा के खानदान का हिस्सा बन जाते हैं. यीशु मसीह हमें हमारे गुनाहों से धोकर, हमें पाक कर, वो हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करता है, वो हमें खुदा की बादशाही में दाखिल करता है. और इसके लिए जो दो हवाला मैं और आपके सामने रखना चाहता हूं. जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपनी खिदमत का आगाज किया तो उसने इन अल्फाज से किया कि तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही नजदीक आ गई. और यही अल्फाज खुदावंद यीशु मसीह के अपने अल्फाज हैं. जब उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज किया तो उन्होंने भी यही बात की कि तौबा करो. मरकुस की इंजील के पहले बाब की 14 आयत में पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा रिपेंट बिकॉज द किंगडम ऑफ गॉड इज हियर. खुशखबरी पर ईमान लाओ, ये है खुदा की बादशाह में दाखिल होने का रास्ता. यीशु मसीह ने बता दिया क्योंकि जब तक हम तौबा नहीं करते, अपने गुनाहों से माफी, रिपेंटेंस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रेकंसिलिएशन. सबसे पहला काम हमें जो करना है कि हमें अपने गुनाहों से तौबा करें. जब हम तौबा की बात करते हैं, उसके लिए जो उसका ओरिजिनल वर्ड है, उसका मतलब ये है कि अबाउट टर्न, पूरे तौर से अपने आप को, जिस जो जिंदगी हम गुजार रहे हैं, हमें खुदावंद की तरफ रजू लाना है. और इसीलिए हम अमाल की किताब के 4 बाब की 17 आयत में पढ़ते हैं, तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन आए. आज जब हमने खुदा की बादशाह के बारे में सीख लिया है, अब हमारा काम है कि हम देखें कि हम किस तरह खुदा की बादशाह में दाखिल हो सकते हैं. और उसके लिए ये जो 3 चीजें आज हम सीखते हैं, पहली बात यह है कि हमें एक बच्चे की मानिंद बनना है, हमें इनोसेंट बनना है, हमें एम्प्टी हैंडेड आना है. हमारे पास माल और दौलत जो है वो हमारी हेल्प नहीं करेगा, हमें उसको एक तरफ रख, दुनियावी जो लालच है, हर किस्म का जो गरूर है, तकबर है, इन चीजों को खुदावंद पसंद नहीं करता. अगर हम खुदा की बादशाह में दाखिल होने चाहते हैं तो अपने आप को हमें चेंज करने की जरूरत है. जो चीजें हमारे और खुदा की राह में रुकावट है, उनको दूर करने की जरूरत है. बादशाही में दाखिल होना जो है, ये हमारे कामों पर डिपेंड नहीं करता, ये हमारे नेक कामों पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये खुदा के फजल पर डिपेंड करता है. ये खुदा का फजल है कि हम उसकी बादशाह में दाखिल होंगे. और उसके लिए हमें यीशु मसीह पर ईमान लाने की जरूरत है, उसकी कुर्बानी पर ईमान लाने की जरूरत है, उसके कुफारे पर ईमान लाने की जरूरत है. तभी हम एक नया इंसान बन सकते हैं, तभी हम अपनी पुरानी इंसानियत से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, तभी हम अपनी गुनाह आलूदा जिंदगी से निजात हासिल कर सकते हैं. यीशु मसीह हमें मुआफ करता है, बशर्ते कि हम उस पर ईमान लाते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, अपनी नई जिंदगी यीशु मसीह में शुरू करते हैं. यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ करेगा. सबसे बड़ी बात है जब हम कहते हैं कि नए सिरे से पैदा होना, हमें रूह से जन्म लेने की जरूरत है, हमें रूहानी पैदाइश की जरूरत है, हमें रूह में जिंदगी गुजारने की जरूरत है,
हम अपनी कोशिश से रास्तबाज नहीं बन सकते। तौबा करके यीशु मसीह हमें अपनी रास्तबाजी देता है, हम उसकी रास्तबाजी हासिल कर लेते हैं। हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने के लिए जरूरत है कि हम यीशु मसीह के खून से धुलकर पाक और साफ हो जाएं। यीशु मसीह ने कुफारा दे दिया है, यीशु मसीह ने माफी का इंतजाम कर दिया है। हमें सिर्फ उस पर ईमान लाने की जरूरत है, हमें नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है, हमें वो नई जिंदगी हासिल करने की जरूरत है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं आया हूं ताकि मैं उनको जिंदगी दूं और कसरत की जिंदगी दूं। यीशु मसीह ने कसरत की जिंदगी का इंतजाम किया है। मेरी आज ये दुआ है इस कलाम के वसीले, इस मजमून के वसीले, कि हमारा जो अल्टीमेट गोल है, हमारा जो मकसद है, हमारा जो मोटो है, वो ये है कि हम खुदा की बादशाहत में दाखिल हों। अगर इंसान सब कुछ हासिल कर ले और अपनी जिंदगी का नुकसान उठाए तो उसको क्या फायदा। हमें हमेशा की जिंदगी हासिल करने के लिए यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है। उसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। एवरीथिंग इज डन, ही सेड इट इज फिनिश्ड, सारा काम हो चुका है। हमें ईमान लाकर उस हमेशा की जिंदगी को हासिल करना है, उस बादशाह में दाखिल होना है, और उसके लिए जरूरी है कि हम एक बच्चे की मानिंद बने। सादा ईमान, सिंपल फेथ, खुदावंद यीशु मसीह पढ़ लाए और आपको हमेशा की जिंदगी मिलेगी। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीले बड़ी बरकत। आमीन, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। भाई साहब, बहुत खूबसूरत आपने एक जो एनालॉजी जो रखी हमारे सामने बच्चे की जो है, मैं जब इस बात पर गौर कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि जो ह्यूमिलिटी है, इंकसारी जिसे हम कहते हैं, खुदा यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरती के साथ इस बात को बयान किया। जो सर्मन ऑन द माउंट है, पहाड़ी वास जिसको हम कहते हैं, और उसके मत्ती के 5:30 आयत में कि बारिक है मुझे के दिल के गरीब हैं, आसमान के बादशाही के वो वारिस होंगे। इसकी हमारी कम्युनिटी में बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी हम आज सुबह डिवोशन में इस बात को सीख रहे थे, सबर को, और ये एक ज्यूल है, ये एक बहुत बड़ा हीरा है जो एक मसीह की जिंदगी में होना चाहिए, और वो है ह्यूमिलिटी। अभी आप देखें कि जिस शख्सियत की आप बात कर रहे हैं, निकोदिमस, वो सरदार था, फरीसी था, और यकीन उसकी बड़ी इज्जत होगी, लेकिन जब वो खुदा के पास आता है तो वो उसको एक अच्छा उस्ताद समझता है। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे माशरे में बहन भाई मौजूद हैं जो कि यीशु को शायद एक सिर्फ एक नबी समझते हैं, एक अच्छा उस्ताद समझते हैं, लेकिन खुदावन ने उनके तसव्वुर को और ज्यादा बढ़ाया कि मैं सिर्फ एक अच्छा उस्ताद नहीं हूं, मैं कोई एक अच्छा नबी नहीं हूं सिर्फ, बल्कि मैं इससे बढ़कर खुदा हूं, और खुदा की बादशाही के बारे में खुदावन ने उसे सिखाया। तो जैसे कि हमने भी देखा कि बच्चे की जो एक एग्जाम्पल जो दी गई है बहुत अच्छी है, और हमें बच्चे की मानद खुदा की बादशाही को जो है कबूल करना है। वैसे बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, और जैसे हमने स्टडी को शुरू किया तो मैंने बताया था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इसको और ज्यादा गहरे तौर पर हम इस पर गौर करेंगे। आज आपने जो चंद एक जो हमें जो मैं समझ कंडीशन जो बताई हैं कि कैसे हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं, तो ये बहुत ही जरूरी बात है कि हम अपने आप को टोटल सबमिट करें। जैसे एक बच्चा जो होता है ना, अगर जब उसने सड़क क्रॉस करनी होती है तो वो खड़ा हो जाता है और ट्रैफिक आ रही होती है, लेकिन जब उसका बाप या माँ उसका हाथ थाम लेते हैं तो उन पर रिलाय करता है, फिर वो खौफ ज्यादा नहीं होता। इन द सेम वे हमें खुदा पर मुकम्मल तौर पर भरोसा करना है। अगर आप रैशनल होंगे, लॉजिकल होंगे कि जी ये खुदा की बादशाही क्या है, इग्नोरेंस जो है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। खुदा का कलाम का जो इल्म होना, दानिश जो है, हिकमत जो है, वो बड़ी जरूरी है। तो इस प्रोग्राम का मकसद जो है वो बहन भाई ये है कि आपको खुदा के पाक कलाम के बारे में बताया जाए। हम बहुत अरसा से इस बात को सुनते आ रहे हैं, खुदा की बादशाही, आसमानी बादशाही, लेकिन क्या कभी हमने इस पर इस तौर से गहरे तौर से गौर किया है। तो दो बातें जो भाई साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं करना चाहता हूँ मौजूदा दौर में। एक तो उन्होंने नई पैदाइश की बात की, यकीनन हम इस पे बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू करेंगे क्योंकि बड़ा लेंथी सब्जेक्ट है, तो मंडे को मैं इसके बारे में आपसे जरूर बात करूंगा नई पैदाइश के बारे में।
तो जो इस दौर की मैं समझता हूँ सबसे जो जरूरी बात है वो है सिंपैथेटिक सर्विस, और ये बड़ी जरूरी है। अगर आप खुदा की बादशाह में दाखिल होना चाहते हैं तो आप अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नजर करें। जब अदालत होगी तो वो तख्त पर बैठेगा और लोग उसके सामने आएंगे, तो एक मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं कैद में था तुमने मेरे पास नहीं आए, मैं बीमार था तुमने मिजाज पुरसी नहीं की। लोग कहेंगे कब तू खुदावंद, कब तू बीमार था, कब तू कैद में था। तो खुदावंद कहेगा जब तुमने छोटों के साथ ऐसा नहीं किया तो मेरे साथ भी नहीं किया। तो जो हमारी जो खिदमत है ये बड़ी जरूरी है, सिंपैथेटिक होना, हमदर्द होना दूसरों के साथ, ये खुदा की बादशाह में दाखिल होने के लिए एक बड़ी जरूरी बात है। नई पैदाइश यकीनन, और फिर यह है कि हमें दुख सहने के लिए तैयार रहना। कल मैंने जब इस बात को आपके साथ बांटा कि हल पे हाथ रख के पीछे नहीं, हार्डशिप जो है, मुश्किलात जो है, दुख सहने के लिए तैयार है। और इमाल की किताब में पौलुस कहते हैं कि जरूर है कि हम बहुत सारे दुख सहकर खुदा की बादशाह में दाखिल हों, देयर इज नो क्राउन विदाउट क्रॉस। तो आप अगर खुदा की बादशाह में दाखिल होना चाहते हैं तो आपको सिंपैथेटिक होना पड़ेगा, आपको जो अपने ईमान की प्रैक्टिस करना जो है वो जरूरी है, और ईमान और मोहब्बत ये दोनों बड़े जरूरी हैं। मोहब्बत भी करनी है, और अगर हमारा कोई भाई जो है वो नंगा है, गरीब है, भूखा है, पर हम उसे कहें जा खा पी सेर हो, और उसे यकूब कहते हैं उसे दे ना कुछ भी, यकूब का दूसरा बाप उसका पांच बाप, तो ऐसा ईमान जो है वो मुर्दा है। एक्टिव फेथ होना जो है बड़ा जरूरी है, पैसिव नहीं। अगर आप अपने दिल में सोचते रहते हैं, सिंपैथेटिक होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप कुछ नहीं करते तो उसका कुछ फायदा नहीं है। भाई सब आप इस बारे में क्या कहेंगे कि ये जो एक प्रैक्टिकल जो क्रिश्चियनिटी है इसका बहुत ज्यादा फुकदान है हमारे माशरे में, कि हम होंठों से तो उसका इकरार करते हैं लेकिन हमारे दिल उससे दूर है। तो आप इसके बारे में अगर कुछ और मजीद इस पे रोशनी डालना चाहें, हाउ वी कैन बी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स वन अनदर, कैसे हम एक दूसरे के साथ हमदर्दी कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे के दुख दर्द बांट सकते हैं, और क्या वजह क्या है, क्यों हमारा रवैया जो है वो ऐसा हो गया, हम क्यों सख्त दिल हो गए हैं, क्यों दूसरों की फिक्र नहीं करते। आई थिंक ये जो आपने बात की है कि दूसरों के लिए सिंपथी रखना या दूसरों की फिक्र करना, उनका ख्याल करना, तो मैं ये समझता हूँ कि ये ही जो आप कह लें कि हमारे मसीही फेथ की जो आप कह लो कि खूबसूरती है वो ये है, यीशु मसीह ने आकर दूसरों के लिए अपनी जिंदगी गुजारी। और हमें, जब हम यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, हम यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलते हैं, तो हमें भी जरूरत इस बात की है कि हम जब क्लेम करते हैं कि वी आर द फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट, वी आर द डिसाइपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, तो हमें उसकी मानित बनना चाहिए। जिस तरह से उसने दुनिया से प्यार किया, उसने अपनी जान दे दी स्लीपर पर, वो गरीबों के पास गया, वो उनके पास गया जिनको लोग देखना भी पसंद नहीं करते थे, उनसे बात करना पसंद नहीं करते, जैसे समैरिटन्स की मिसाल है, या ऐसे लोग जिनको के आउटकास्ट, जिनको निकाला गया था सोसाइटी से, खुदावंद यीशु मसीह उनके पास जाते थे। उसी तरह हम जब इस दुनिया में आज हैं, हमारे पास ये आज ये जिम्मेदारी आई है एज चर्च, एज फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट, तो हमें भी जरूरत इस बात की है कि हम उन तमाम कामों को करें तो यीशु मसीह को हमने करते देखा है। वी नीड टू बी लाइक हिम, और हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, हमें देखने की जरूरत है। वी नीड टू लुक अराउंड, वी नीड टू बी अ गुड समैरिटन, हमें देखना है नेक सामरी की तरह। अगर हम देखेंगे नहीं, हम बस आंखें बंद करके हम समझते हैं कि हम खुदा की बादशाह में दाखिल हो गए हैं, वी आर सेव, अब हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। हमें जरूरत है कि वी नीड टू लुक अराउंड, हमें देखें कि क्या हमारे आसपास हो रहा है, किस तरह से हमें लोगों को उस बादशाहत में दाखिल करना है। यीशु मसीह ने तो उसका आगाज कर दिया काम का, 2000 साल से ये काम अब चर्च का है। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम लोगों को इस बादशाहत में दाखिल करें, और ये काम हो रहा है पिछले 2000 साल से। हम देखें कि क्या हम अपना उसमें किरदार अदा कर रहे हैं, हमारा जो रोल है क्या यहाँ पे। एक जो भी आपने नेक सामरी की जो एग्जाम्पल आपने दी है, जब वो कहन और जो लावी थे वो वहां से गुजरे तो उन्होंने देखा कि वो शख्स जो है जख्म से चूर पड़ा है, जिसे डाकू ने मारा था और धुआं छोड़कर चले गए थे। तो शायद जो लावी है या कहन, उनको अगर अदालत में लाया जाए तो वो कहेंगे जी जनाब जज साहब, मैंने तो नहीं उसको मारा था,
मैंने तो नहीं ऐसा किया था, तो मुझे आप क्यों कंडेम कर रहे हैं, मुझे क्यों आप कोर्ट में लेकर आए हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि उन्होंने जो हमदर्दी थी, दे फेल टू शो द ट्रू सिंपथी, दैट वाज देयर क्राइम। हम अगर दुनिया में देखें, अगर कहें ये यार जो लोग आ रहे हैं, महाजरीन जो आ रहे हैं, होमलेस हैं, फ्लड विक्टम्स हैं, और जो प्रोसिक्यूटेड जो क्रिश्चियंस हैं, हमारे बहन भाई हैं, मैंने तो इनको ऐसा नहीं किया जी, मैंने तो सलाब नहीं लाया, मैंने तो उनको दुख नहीं दिया। लेकिन शायद हम जो हकीकी मोहब्बत है, हमदर्दी है, वो शो करने में नाकाम हो रहे हैं, एंड देन विल बी आंसरेबल फॉर दैट। और बड़ी अच्छी आपने एग्जाम्पल दी है नेक सामरी की, कि उसने उसको जो जख्मी था उसको उठाया और उसकी तमारदारी की और अपना रुपया पैसा भी दिया। प्रैक्टिकल जो क्रिश्चियनिटी है वो यही है। और ये बड़ी खूबसूरत ये जो पैराबल है, विश के हमारे पास टाइम हो और हम इस पे बहुत ज्यादा जो आगे इसको लेकर बढ़ सकें इस पैराबल को, लेकिन ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरे मारा होगा, फलाने किया होगा ऐसे, लेकिन हम दूसरों को तो इल्जाम दे देते हैं कि जी वो कर रहे हैं, वो मसीह को दुख दे रहे हैं, लेकिन शायद कहते हैं ना जी, मारा जो तूने फूल वो पत्थर से कम नहीं। तो हम शायद जो है ना, वो दूसरों को तो बड़ी जल्दी हम मौरद इल्जाम ठहरा देते हैं कि जी वो मसीहों को सता रहे हैं, लेकिन अजीजो हम जब मोहब्बत और हमदर्दी जाहिर नहीं करते, हम उन्हें ज्यादा सताते हैं। क्योंकि अगर कोई शख्स जो आपके दिल के बड़ा करीब हो, जिस पे आपका भरोसा हो, जिससे आप प्यार करते हो, जब वो आपके लिए बुरा सोचे, जब वो आपके साथ हमदर्दी ना करे, तो आपको जो लोग दुश्मन होते हैं उन पर कोई गिला नहीं होता, आप सोचते हैं यार इसने मेरे से प्यार नहीं किया। क्या ख्याल है भाई साहब आपका? बिल्कुल सही बात है। और हमें सिर्फ अपनों के नहीं, हमें तो दुश्मनों से भी प्यार करना है, हमें तो हर किसी से प्यार करना है। हमारा तो काम ही यही है कि हम उन तमाम लोगों जो लोग कटे हुए हैं, बिल्कुल बाहर है सोसाइटी से, हमें उन तक भी पहुंचना है। और उन लोगों के लिए खासतौर पर जो हमारे करीब हैं, हमारी पहली जिम्मेदारी ये है कि उनसे हम देखें इर्द गिर्द। हम कहते हैं कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक नहीं है, हमें उन जगहों पर जाने की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह जाया करता था वहां पे, हम भी जाते हैं जब भी हमें मौका मिलता है। हम अपने इर्द गिर्द जो हमारे कम्युनिटी सेंटर्स हैं, जो शेल्टर्स, हम जाते हैं वहां पे, देखते हैं कि हमारा चर्च उनकी कैसे मदद कर सकता है। फूड बैंक हम रन करते हैं, लोगों के लिए खाना प्रोवाइड करते हैं। और ये कोई हमको ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं, अजीब काम नहीं कर रहे हैं, ये वही है जो कि ये जो गॉस्पल हम प्रीच कर रहे हैं, बेसिकली ये प्रैक्टिकल गॉस्पल है। हम कर रहे हैं, करके दिखा रहे हैं लोगों को कि ये काम यीशु मसीह ने किए थे, वो भी भूखों को खाना खिलाता था, बीमारों को चंगा करता था। और यही काम आज चर्च के हमें जाने की जरूरत है, जो लोग दुखी हैं, मुसीबत ज्यादा हैं, उनके पास जाना है हमें, लोगों के लिए दुआ करने की जरूरत है, किसी को खाना चाहिए। हमारे पास फूड बैंक है, लोग जब फूड बैंक बंद हो जाता है तब भी वो मुझे फोन करते हैं, क्योंकि मेरा फोन नंबर लिखा हुआ है चर्च के बाहर। तो हमारा काम है कि हम उन तक पहुंचे, जो जिस तरह से भी हम उनको खुदा की बादशाहत में दाखिल कर सकते हैं। हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी जाया नहीं करनी, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, वी नीड टू लुक अराउंड, देखना है कि हम कहाँ जाकर किसी की मदद कर सकते हैं। तो खुदा हमें चाहता है कि हम उन तमाम लोगों तक पहुंचे और उनकी हम इस तरह से खिदमत करें। हमारा काम है लोगों की निजात, लेकिन निजात के लिए जरूरी है कि लोगों को यीशु के पास लेके आए, उनकी जो जरूरियात हैं उनको देखें हम, और उनको हमेशा की जिंदगी में आने के लिए उनकी मदद कर सकें। मैं कल एक बात जो शेयर कर रहा था अपने इसी प्रोग्राम में कि वी बिलोंग्स टू हेवन। हम सोचते हैं कि ठीक है जी, हम खाक हैं, खाक में लौट जाएंगे, बट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फिजिकल बॉडी। जो हकीकत में जो मसीही हैं, जिनको खुदा के बेटे और बेटियां कहा गया, वी आर ऑल अडॉप्टेड चिल्ड्रन ऑफ गॉड, ओनली जीसस क्राइस्ट द बिगॉटन सन ऑफ गॉड। हम खुदा के बेटे और बेटियां, जब हम किंगडम ऑफ गॉड की बात कर रहे हैं बहनों भाई इन दिनों में, तो मैं समझता हूँ कि खुदा के बेटे और बेटियां होते हुए हमें खुदावन के जलाल को, खुदा उनकी मोहब्बत को, खुदा उनके प्यार को इस दुनिया पर जाहिर करना है ना? और ये एक जिम्मेदारी है। इसको बहुत सारे लोग जो है ना उसको एक ऑप्शन समझते हैं कि ठीक है जी करें ना करें कोई बात नहीं, लेकिन मैंने बहुत दफा इस बात को आपके साथ बांटा है कि क्या कभी हमने अपने मकसद को जाना है, एक्सप्लोर किया है कि मेरा और आपका इस दुनिया में आने का मकसद क्या है।
जैसे कि मैंने अर्ज किया कि हमारी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो और है, ये नहीं है, दुनिया नहीं है, ये एक सराय है हमारे लिए। और इस दुनिया में रहते हुए हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है। मैं सुबह जब जब मैं सुबह आपको देखा, आप वेल ड्रेस होके तैयार होके बैठे हुए थे, तो मैं सोच रहा था कि नॉर्मली अगर किसी मीटिंग में जाना हो या कोई काम हो तो फिर आप ऐसे तैयार होते हैं कि ठीक है जी मैंने जाना है तो मैंने तैयारी करनी है। मैं विजुअलाइज कर सकता हूँ, आई कैन फील दैट, मैं ज्यूम कर सकता हूँ इसको कि सुबह सवेरे उठ के तैयार होना, शेव करना, क्योंकि मैं खुद ऐसे होता हूँ, तैयार होता हूँ, इसलिए मुझे पता है। तो आप तैयारी के साथ आप बैठे हैं, कलाम को लेकर बैठे हैं, ना सिर्फ ये बल्कि आपने पाक कलाम को तैयार किया है लोगों के साथ पढ़ने के लिए। सो दिस इज अ लाइफ स्टाइल, क्रिश्चियन लाइफ स्टाइल। क्यों उनको इस वक्त, मैं कोई उनको कुछ दे नहीं रहा, मैं तो उनसे ले रहा हूं। आप सुबह उठते हैं, तैयारी करते हैं, आप अपनी नींद को जो है वो आप जो नहीं मैं सेक्रीफाइस करूंगा, मैंने पाक कलाम को सुना, हमारी बयान में आई डोंट वांट टू मेंशन हर नेम, वो सुबह बहुत देर से उठती थी। तो जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है तो वो सुबह सवेरे उठ के सबसे पहले वो प्रोग्राम को शुरू करती है देखना। तो इट्स वेरी इंस्पायरिंग फॉर अस। आप जब दूसरों के लिए कंसर्न होते हैं, मैं अपनी और अपने साथ दोस्तों की बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये एक अवेयरनेस देना चाह रहा हूँ कि जब आप खुदा की बादशाही की बात कर रहे हैं, जब आप उसको सीखना चाह रहे हैं, तो वी शुड अंडरस्टैंड कि इसमें एफर्ट दरकार है, कोशिश करनी है। और एफर्ट ये है कि आप खुदा के कलाम को उनके साथ बांटें। सारा दिन हमारे पास, वी गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम। देखिए दो चीजें जो है ना वो बड़ी जरूरी है, एक टाइम की कदर करना और दूसरा तब्दीली। हम जब बात करेंगे नई पैदाइश की तो उसमें हम इस बात पे देखेंगे, तो ये दोनों चीजें जो हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप वक्त की कदर किया करें, आप ये सोचें कि अच्छा जी भाई साहब ने हमें ड्यूटी दी है और हमने इस जिम्मेदारी को देखना है, हमने बैठ के 10 20 30 लोगों को ये लिंक जो है वो शेयर करना है। ये देखें बाजाहिर ये बड़ी मामूली सी बात नजर आती है, क्या जी इसका क्या फायदा है, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि शायद कोई क्रिश्चियन या नॉन क्रिश्चियन जब वो इस कलाम को सुनेगा, जब वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेगा तो वो बरकत पाएगा। हमने कभी भी यहाँ पर बैठ के आपसे रुपए पैसे का तकाजा नहीं किया, कभी आपसे नहीं कहा कि अच्छा जी आप हमें पैसे दें, हमने इस चैनल को रन करना है। ऑफ कोर्स इट कॉस्ट अस, इसमें कोई ऐसी कोई वो दो राय नहीं है, दिस नथिंग फ्री इन दिस कंट्री। ये आपको पता है कि ये एक कंट्री की सेइंग है, इस मुल्क में कुछ भी मुफ्त नहीं है, नथिंग इज फ्री। हम इस बात को महसूस करते हैं कि बिकॉज पीपल दे आर लिविंग इन अ डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड, के जी पता नहीं इन्होंने कोई कारोबार शुरू किया हुआ है कि जी हम सुबह सवेरे ये बात कर रहे हैं। नहीं, ये बिजनेस नहीं है, ये एक बड़ा खास जो मिशन है, और ये मिशन पादरी गिलबर्ट साहब का नहीं है, पादरी महबूब का नहीं है, भाई दत्त का नहीं है, ये खुदा का मिशन है, ये खुदा का काम है। सो लेट्स ज्वाइन अवर हैंड्स, इस काम को लेकर आगे बढ़े। हाँ, जहां तक मदद की जरूरत है, मैं और भाई साहब और दूसरे जो बहन भाई हैं, हम आपको जरूर ये रिक्वेस्ट करते हैं कि देखें जो लोग दुख में है, तकलीफ में है, मुसीबत में है, आप उन पर निगाह करें। मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि पाकिस्तान में जो फ्लड के विक्टिम्स हैं, जरूरी नहीं कि आप हमें भेजें, लेकिन वहां पे जो आपके अजीज हैं, बहन भाई हैं, उनके साथ आप रابطے में रहें, उनसे कहेंगे अच्छा जी आपके कोई ऐसा शख्स तो नहीं है जो कि माइग्रेट करके, अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो सिंध से माइग्रेट करके पंजाब में आ रहे हैं। दे आर लुकिंग फॉर शेल्टर, दे आर लुकिंग फॉर फ्रेंड्स, दे आर लुकिंग फॉर चर्च, दे आर लुकिंग फॉर फूड। ट्राई टू एक्सप्लोर दीज पीपल, फाइंड करें उनको कि कौन लोग हैं और उन तक पहुंचे। और ये चर्च की जो मेरे आम खिदमत भाई हैं, हम बड़ी बड़ी कन्वेंशन कर रहे हैं, और प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, मुझे जो फीडबैक मिली है कि जो कन्वेंशन पे जो पैसा खर्च होता है लाखों की तरफ, लाखों रुपया भाई साहब जी, बसेस पे उसके जो रेंट होता है और ग्राउंड का और बाकी जो अखराजात हैं मीडिया के, इट कॉस्ट देम ह्यूज मनी। और वही लोग होते हैं, बार बार वही लोग आते हैं सामने, लेकिन अगर वही रुपया पैसा जो है वो लोगों की बेहतरी के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, जिन लोग कहते हैं हाँ जी वहाँ पे कलाम सुनाया जाता है, वहाँ पे हीलिंग होती है। मैं पैसे कराची में था महमूदाबाद में, और वहां पर मैं जब गया तो पास्टर जी जो थे वो मुझे लेकर गए, वहां पर हम लोगों को मिलना था,
वहां पे एक सेमिनार था, तो सिलसिले में मैं गया, तो बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे कि जी लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, तो बैसाखियों वाली तस्वीरें वहां लगी हुई थी, पास्टर साहब वो बाइबल हाथ में पकड़ के बड़ी जबरदस्त तस्वीरें उस पर लगी थी पोस्टर पे। तो वहां पे जो मैंने देखा, तो गली में बच्चे जो हैं वो बैठे हुए थे नालियों के ऊपर, और मक्खियां बिलबिला रही थी उनके चेहरों पे, और बड़ी बुरी हालत थी, औरतें बाहर बैठी हुई हैं सड़क पे। तो मैंने उस दोस्त से कहा, मैंने कहा यार ये जो पोस्टर लगे हैं ना, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, मैंने कहा ये वो अंधे और लंगड़े हैं जिनको चलने की जरूरत है, जिनको देखने की जरूरत है, ये जो बच्चे बैठे हुए ना गलियों में भूखे, और ये जो लोग बैठे हुए नंगे, मैं कह इनको चलने की और इन पे तन पे कपड़ों की जरूरत है। हम लोगों ने बिजनेस बना लिया, सॉरी मैं फिर वो ट्रैक है वो चेंज हो जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि हमने, गुलाम कहता है कि उनका पेट उनका खुदा है, तो हमने इस मिनिस्ट्री को अपना पर्सनल बिजनेस बना लिया हुआ है। वहां पे लोगों ने इस चीज को कारोबार बनाया हुआ है, और पहले एक वक्त था कि लोग जो है ना वो नंगे बच्चों की तस्वीरें दिखा दिखा के बाहर से पैसे इकट्ठे किया करते थे, आजकल पैसे वो सर दिखा दिखा के देते, वो जूम कैमरा चलता है, वो 10,000 लोग हैं तो दिखाते हैं जी 1,000,000 लोग हैं। किसी पास्टर ने अमेरिका में वहां कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसने कहा जी मैंने जिना स्टेडियम में कराची में वहां पे कन्वेंशन की और 1,000,000 वहां पे लोग थे। मैंने कहा यार इनको पहले ये बताएं कि 1,000,000 होते कितने हैं, मतलब वहां पे जो हुआ था जलसा हुआ था चेयरमैन बिलावल भुट्टो का, तो उसमें 1,000,000 लोग नहीं थे, 10,00,000 लोग यार खुदा का खौफ करें। तो अभी किसी ने क्वेटा से तस्वीर डाली हुई थी, कोई फॉरेन मिशनरी थे, तो उन्होंने बड़े एक्साइटेड होकर तो उन्होंने तस्वीर डाली कि जी देखें जी क्वेटा में वहां पे कन्वेंशन हुई है और हजारों लोग जो है मुसलमान वो मसीह हुए हैं। तो मैंने फिर उनको लिखा, मैंने कहा प्लीज ऐसी आप न्यूज ना दें, पहले तो बात है कि जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो सारे मसीही हैं, क्वेटा में इतने तादाद में मुसलमान जो है वो अगर मसीह हो जाएंगे तो मुसीबत नहीं पड़ जाएगी, और आप ऐसी न्यूज दे दे के आप लोगों को प्रोवोक करते हैं और ज्यादा मुसीबतें खड़ी करते हैं। तो मैंने उनको कहा कि प्लीज ऐसी फॉल्स न्यूज ना दिया करें और जो हकीकत है वो बयान किया करें, तो ऐसी बातें करने से और ज्यादा नुकसान होता है, फायदा नहीं होता, और हमारे बच्चे जो हैं थियोलॉजिकल एजुकेशन नहीं हासिल कर रहे, वो कहते हैं ये शॉर्टकट है, चलें जी बस ठीक है आप पास्टर बन जाएं और कन्वेंशन कराएं, बाहर से मिशनरी बुलाएं और पैसा इकट्ठा करें। तो प्लीज प्लीज जो हकीकत में जो जिन लोगों को जरूरत है, अगर आप खुदा की बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं, उन लोगों की फिक्र करें जो कि वाकई मुसीबत ज्यादा है, दुख में है, परेशानी में है, और ये जो ऐसी जो प्रैक्टिस है इसको आप प्लीज जो बहन भाई हैं वो भी कंडेम करें, और जो लोग ऐसा करते हैं वो भी मेहरबानी करके थोड़ा सा इस बात का खुदा का खौफ करें और पे पैसे को खुदा के लिए इस्तेमाल करें, ना कि अपनी बेहतरी के लिए, अपनी चौधराहट के लिए और अपने फायदे के लिए। तो बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं माफी चाहता हूं अगर किसी को मेरी जो बातें हैं वो हर्ट करें, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है, तो सच जो है वो कड़वा होता है, लेकिन प्लीज इस बात को महसूस करें। और जो लोग भी इस वक्त दुख तकलीफ में हैं, मुझे जब मेरे दोस्त बता रहे हैं वहां पे जो हमारे मिशन पार्टनर्स हैं कि यार वहां पे तो लोगों के पास अभी खाने के लिए कुछ नहीं है, बहुत बुरे हालात है, सर्दी जो आ चुकी है, उनके पास कपड़े नहीं है, कंबल नहीं है, तो प्लीज आप इस बात को महसूस करें, उनके लिए आप जरूर सोचें ताकि आप खुदा की बादशाह में दाखिल हो सके। खुदा ये ना कहे कि आए मलाउनो मेरे सामने दूर जो मैं तुम्हें नहीं जानता। आइए दुआ मांगे, और मैं दरख्वास्त करूंगा भाई सबसे कि प्लीज आप इन तमाम हालात के लिए खुदा से दुआ करें, वो लोग जो कि खुदा की खिदमत कर रहे हैं जानदारी से उनके लिए दुआ करें, और मैं दरख्वास्त हूँ कि आप मिस्टर वाजिद बेनेट जो कि खुदा में सो चुके हैं उनके घराने के लिए दुआ करें, कशान के लिए, शाहान के लिए, शानी के लिए, उनकी बेटी जो है उनके लिए आप दुआ करें कि खुदा उन्हें जो है तसल्ली और तशफी दे, मिसेस बेनेट के लिए और जनाजे के सारे इंतजाम के लिए खुदा उनकी बरकत चाहें, तमाम बीमारों को खुदा उनके तख्त के सामने लाए। तो आइए हम दुआ मांगें। थैंक यू जीसस। कादर मुतलक खुदा, मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, हम दिल की गहराई से तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी उस बड़ी मोहब्बत के लिए, उस प्यार के लिए जो तूने ना सिर्फ हमसे बल्कि इस जहान से किया। तूने अपने प्यारे बेटे को हमारे लिए भेजा ताकि हम उस हमेशा की जिंदगी को हासिल करें।
हम तेरी बादशाहत में दाखिल हो सकें। हम उसकी कुर्बानी के लिए तेरा शुक्र करते हैं, दुआ मांगते हैं खुदावंद खुदा। आज जब हम इस दुनिया में हैं, तूने हमें एक बहुत बड़ा मिशन दिया है, एक जिम्मेदारी दी है कि हम उन लोगों को जो हमारे इर्द गिर्द हैं, आज भी वो तेरी मोहब्बत से ना वाकिफ हैं, उस खुशखबरी से ना वाकिफ हैं जिसके लिए यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी। हमारी दुआ है खुदावंद हमें इस लाइक करके हम लोगों को उस खुशखबरी के बारे में बता सके और लोग तेरे कलाम को सुनकर तेरे कदमों में आ जाएं और उस हमेशा की जिंदगी को हासिल करें। खुदावंद इस वक्त मैं बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, ये मीडियम जो तूने हमें दिया खुदावंद, जिसके जरिए से हम इकट्ठे हो सकते हैं, तेरे सारे खादमों के लिए जो खुदावंद इस चैनल के जरिए से खुदावंद तेरी खिदमत करते हैं, तेरा कलाम सुनाते हैं। पादी नोबल के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, जिन्हें तूने ये विजन दिया है खुदावंद, तूने उनको ये जिम्मेदारी दी है खुदावंद खुदा के वो हम सबको इस चैनल के जरिए से इस्तेमाल होने का मौका दें और अपनी खिदमात खुदावंद हम यहाँ पे आके पेश करते हैं। इसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद इस चैनल के लिए और पादरी साहब के लिए और उनकी सारी टीम के लिए और यूआरसी चर्च के लिए जो हेस्टन में खुदावंद, हम उसके लिए तेरी बरकत चाहते हैं, सारे एल्डर्स के लिए और उस टीम के लिए खुदावंद जो इसका जिनके पास इसकी जिम्मेदारी है खुदावंद। आज हम सारे बीमारों के लिए दुआ मांगते हैं खुदावंद, जो भी लोग आज सुन रहे हैं जिनके नाम हमारे दिलों में है खुदावंद खुदा, हम दुआ मांगते हैं हमारे बीमारों पर रहम कर, उनको शिफा दे। इस वक्त खुदावंद हम मिस्टर वाजिद बेनेट की जिंदगी के लिए तरह शुक्र करते हैं खुदावंद, जो वक्त उन्हें उन्हें दिया, जो उन्होंने अपने घराने के साथ यहाँ पे गुजारा, उनकी सारी खिदमत के लिए तरह शुक्र करते हैं मिसेस बेनेट के लिए और मिस्टर वाजिद के सारे बच्चों के लिए। हम खुदावंद खुदा सबर और तसल्ली की दुआ मांगते हैं खुदावंद, आज की इस इबादत के लिए तरह शुक्र करते हैं, जो बरकत हमें मिली हम उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं, दुआ मांगते हैं हम इसी तरह खुदावंद तेरे कदमों में आते रहें और तुझसे बरकतें हासिल करते रहें। ये दुआ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम का वास्ते। आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान, जो आसमान नाम पाक माना जाए, तेरा नाम, तेरी बादशाही, तेरी बादशाही आसमान, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी हो, हमारे रोज रोटी आज हमको दे, आज अपने सरोवरों को माफ कर, माफ कर मैं आजमाइश में ना पड़ूं, अपना चेहरा आपका जलवा कर फरमाए, खुदावन आपके बदन जान और रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे ही करेगा, और हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। शुक्रगुजार है आप सबके, शाम को 7:30 बजे जो जूनियर बाइबल क्लास है वो होगी और उसको बेटी शाजिया चांद जो है वो लीड करती हैं, तो आप अपने बच्चों को इनकरेज करें, खुद भी आप बैठे उनके साथ और 7:30 लाइव ये जो बाइबल टीवी का जो पेज है उस पर भी हम इसको करेंगे, तो आप जरूर बच्चों को लेकर बैठे ताकि वो खुदा का पाक कलाम सीख सकें। और संडे को जो इबादत है 10:30 बजे इंग्लिश में होती है और 2 बजे उर्दू हिंदी में, हेस्टन एशियन यूनाइटेड फार्म चर्च 309 विकरेज फार्म रोड हेस्टन TW50DR, ये हमारा एड्रेस है चर्च का, और लाइव ब्रॉडकास्ट होती है बाइबल टीवी ग्लोबल पे, आप जरूर इसका हिस्सा बने। वैसे आप अपने चर्च के बारे में जरा हमें बता दें, अबादात का जो टाइम है और एड्रेस जो है। जी थैंक यू, अगर आप वॉल्सोल के इलाके में हैं तो हमारी जो पहली सर्विस होती है वो ऑल सेंट्स डार्लस्टन चर्च में 9:30 होती है और उसके बाद 11 बजे दूसरी हमारी सर्विस होती है, ये दो इंग्लिश सर्विसेज होती हैं और तीसरी सर्विस 3 PM होती है जो कि उर्दू और पंजाबी लैंग्वेज में होती है। तो अगर आप वॉल्सोल के इर्द गिर्द हैं, अगर आप कहीं और नहीं जाते, यू आर मोर देन वेलकम 9:30 इन द मॉर्निंग, 11 o'clock एंड देन 3 PM इन उर्दू। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। इजाजत दीजिए मुझे और पादरी गिलबर्ट साहब को, आपसे मुलाकात होगी मेरी ब्रेकफास्ट शो में मंडे मॉर्निंग में और 9:00 बजे मंडे टू फ्राइडे हम ये प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते हैं और संडे को जो लाइव ब्रॉडकास्ट होगी 10:30 बजे इंग्लिश में और 2 बजे उर्दू में। गॉड ब्लेस यू, हैव ए ब्लेस्ड डे। थैंक यू भाई साहब, गॉड ब्लेस यू।